नंबर है। अब देखिए सीधे शब्दों में बोलूं तो जो आपका RHS है ना, Z माइनस Y, ये RHS, ये आपका रैशनल है, क्योंकि रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल। तो RHS क्या है, एक रैशनल नंबर है, और LHS क्या आ गया आपका, X मतलब इरैशनल। और आपको पता है एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कभी भी इरैशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता है। या आप ऐसे बोलो कि हम जो लेके चले थे वो x हमारा कैसा था, इरैशनल नंबर था, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये यहां पे क्या बताया जा रहा है कि x इज गिवन बाय 10, मतलब x इज इरैशनल, x इज रैशनल, x इज रैशनल, ये x किसके इक्वल हो गया, रैशनल के। तो दिस शोज x इज, दिस शोज x इज रैशनल, बट वी नो दैट x इज इरैशनल, बट x इज इरैशनल। तो दिस अ कॉन्ट्राडिक्शन, वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे का पोस्ट करते हैं, तो वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। हमने क्या अज्यूम किया था, P be not true, मतलब हमने अज्यूम किया था ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारी बात गलत होगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो देयरफॉर पी बी आर वैलिड स्टेटमेंट, पी एक तरीके का वैलिड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या, द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। और सच बात है, आप इसको काउंटर मेथड से भी कर सकते हो, काउंटर मेथड में आपको बाद में कराऊंगा, उसमें ना एग्जांपल्स देके हम करते हैं, जैसे कि आप कर सकते हो। देखिए 3 क्या है, एक इरेशनल लेना है पहले, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई में आप 3 ऐड करो, मतलब इरेशनल में रैशनल ऐड करो, 3 रैशनल है, तो देखिए पाई प्लस 3 जब आप करोगे ना, तो वो कैलकुलेटर से कुछ ऐसा आएगा 6.14 और जो भी वैल्यू ऐसे आती जाएगी, है ना। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना खत्म हो रहा होगा ये पॉइंट के बाद, और नॉन नॉन रिकरिंग भी होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। जैसे कि मैं कैलकुलेटर से अगर करूं, पाई की वैल्यू 2/7, ये देखिए 3. पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू होती 3.14285714, और आती ही जा रही है इसके बाद। देखिए ना तो कोई डिजिट, जैसे रिपीटेशन क्या होता है, 3.14141 ऐसा आता तो हम बोलते 3.14 का बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, आता ही जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा हो तो रैशनल, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट नहीं कर रहा हो कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स, तो वो इरेशनल होता है। तो ये देखिए ये इरेशनल है, और इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये 3 ऐड करोगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3+3 6 1 4 2 8 5 7 1 4 ऐसा आता जाएगा, तो ये भी तो क्या आया है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी रिजल्ट क्या आया, इरेशनल आया। तो ये काउंटर मेथड की हेल्प से हमने मतलब एग्जांपल्स देके प्रूफ कर दिया कि ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू।